हर हर महादेव। महाराष्ट्र मुंबई से रवि शर्मा जी हैं, उनका प्रश्न है कि मेरे दो बालक हैं, एक 8 वर्ष का है, एक 6 वर्ष का है, तो क्या इनके यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ हो सकते हैं अथवा 7वीं 9वीं या 11वीं वर्ष में ही करना चाहिए, ये इनका प्रश्न है। देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि वैसे तो लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत 8वें वर्ष में होता है ना? हमारे पार्षकर गृह सूत्र का ही सूत्र है कि 8 वर्षम ब्राह्मण मुपनये गर्भाष्टमे वा, 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन होना चाहिए अथवा जो है गर्भ से 8वें, तो वो 7वां वर्ष हो जाता है वैसे गिनने में, वैसे गर्भ से 8वां है तो 8वां वर्ष में करें। अगर इस समय न कर पाए तो 16 वर्ष तक यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का उपनयन 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक हो जाना चाहिए। अब लिखा है 11वां वर्ष गुंगराजन्यम, 11वां वर्ष के बाद जो है 11वां वर्ष के बाद 12 से लेकर के 24 पर्यंत जो है क्षत्रिय का उपनयन हो जाना चाहिए। 12वां वर्षम वैश्यम, 12वां वर्ष से माने 13 वर्ष, द्वादशे तीते ऐसा अर्थ करते हैं, जन्मतः 13वें वर्षे उपनयेत इत्यर्था। ये जब इनका जो है वैश्यों का उपनयन हो जाना चाहिए, तो ये उपनयन का क्रम है। जैसे आपने कहा कि हम 7वें 9वें 11वें वर्ष में ही करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष पर्यंत आप जो है यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणों के बालकों का कर सकते हैं, जब भी शुभ मुहूर्त बने। ऐसा नहीं है कि अब हम 6वें वर्ष में या उसमें 13वें वर्ष में नहीं कर सकते, कुछ लोग कहते 10वें वर्ष में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। फिर शास्त्रों में यह भी बतलाया गया है कि यदि कोई विशेष ब्रह्मत्व की सिद्धि चाहते हैं तो 5वें वर्ष से भी यज्ञोपवीत होना प्रारंभ हो सकता है, 5 वर्ष से लेकर के 16 तक कभी भी कर दीजिए, यानी 8 से पहले भी 5, 6, 7 इन वर्षों में भी यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण बालकों का हो सकता है। परंतु वो कोई ब्रह्मत्व की सिद्धि के लिए, ब्रह्म तेज संपादन करने के लिए बालकों को करना है, विशेष ज्ञानी ध्यानी बनाना है, यूं समझ लीजिए, तो ऐसा कार्य भी किया जा सकता है, शास्त्रोन्मोदित है, जो है मनुस्मृति में भी ये लिखा हुआ है। अब जैसे आप कहें कि दोनों बालकों का 7वें उपनयन हो सकता है क्या, तो 7वें दोनों बालकों का उपनयन नहीं होगा। सामान्य रूप से कोई भी संस्कार जो एक माता से जन्मे हैं, सहोदर भाई हैं, भाई बहन हैं, उनका एक साथ नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी संस्कार हो। ठीक है जी, देखिए हमारे पास ये ग्रंथ है कर्म शुक्ल यजुर्वेदीय कर्मकांड प्रदीप, तो इसमें लिखा हुआ है एकमात्र जयो रेक वत्सरे पुरुष स्त्रियो न समान क्रियां कुरियान मातृभेदे विधीयते। ये कह रहे हैं एक मातृ जयो, एक माता से उत्पन्न होने वाले दो पुत्र पुरुष स्त्रियो हो, चाहे पुरुष पुरुष या पुरुष स्त्री, यानी बालक दोनों बालकों का या दोनों कन्याओं का या बालक कन्या का, जो एक माता से उत्पन्न हुए हैं, जो भाई बहन हैं, उनका एक वत्सरे यानी एक संवत्सर में, एक वर्ष में ये समान क्रियाम माने समान संस्कार, कि दोनों का मुंडन,
दोनों का जो है एक साथ जो है कोई उपनयन करना चाहे, या दोनों का विवाह करना चाहे, या पुत्र का उपनयन और पुत्री का विवाह, ये एक ही बराबर माने गए, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुत्री पुत्री पुत्र पुत्री का विवाह, पुत्र का उपनयन और पुत्री का विवाह ये भी, और पुत्र पुत्री का विवाह भी, ये एक वर्ष में नहीं होना चाहिए। न समान क्रियाम कुरियान, समान क्रियाम न कुरियात, परंतु मातृभेदे विधीयते, पिता एक हैं परंतु माता अलग अलग हैं दोनों की, तो उनका ये संस्कार हो सकता है, सामान्य रूप से नहीं हो सकता है। माने एक ही माता की दो संतान हैं अलग अलग, तो उनके दोनों के ये कार्य साथ साथ नहीं होना चाहिए, शास्त्र में मना किए गए हैं। करना है तो वो प्रायश्चित करना पड़ेगा, ये है, वो प्रायश्चित ही हो जाएगा। देखिए मूढ़ चिंतामणि की पीयूष धारा टीका में, सोदर पुत्र कन्या संबंधिनोर विवाहोपनयनयो समान संस्कारत्वाभाव इत्येव सिद्धांतः फलितः। सहोदर, एक ही उदर माने एक माता से प्रकट होने वाले कन्या या पुत्र का विवाह उपनयन आदि संस्कार समान संस्कार, समान संस्कारत्व अभावः, नहीं होना चाहिए, इनका अभाव होता है, क्योंकि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा कोई भी जो है शास्त्रों में वचन नहीं है, निषिद्ध वचन प्राप्त है। इसलिए अतः षाणमासिको निषेधस्तयोर नास्ति तेनात्र प्रथमं पुत्रो पुत्रोपनयनं विधाय यथावकाशं कन्या विवाह सुखेन कार्यः। वो कहते हैं अगर पुत्र के बाद पुत्री का विवाह करना हो, या जो है इनके जो विवाह की क्रम हो, तो प्रथम पुत्रोपनयनं विधाय, पहले पुत्र का उपनयन करे और उसके 6 महीने बाद फिर कन्या का विवाह करे, साथ साथ नहीं करे। तस्मात् एकमात्र जयोः पुत्रयोः कन्ययोः पुत्र कन्ययोर वा विवाहादि रूपा समान क्रिया निषेध षण मास मध्ये अस्ति इत्येव। जैसे अभी एक वर्ष के लिए निषेध बतलाया था कर्मकांड प्रदीप में, कहीं कहीं बतलाएगा ऋतु त्रय, यानी 3 ऋतु, यानी 6 महीने तक, कम से कम 6 ऋतु तक, 6 जो है महीने तक 3 ऋतु निकल नहीं जाए तब तक, चाहे तो पुत्रयो हो ने दोनों पुत्रों का, पुत्रियो हो दोनों पुत्रियों का, अथवा पुत्र कन्यायो पुत्र और कन्या का विवाहादि एक रूप, यानी यज्ञोपवीत भी या विवाह भी, कोई भी संस्कार, जैसे विवाह पुत्र का विवाह और दोनों एक हो गए, पुत्री का जो है विवाह और पुत्र का उपनयन बराबर है, क्योंकि पुत्री का उपनयन तो होगा नहीं, पुत्री का यज्ञोपवीत होगा ही नहीं, तो पुत्री का विवाह ही उपनयन है, पुत्री का विवाह भी विवाह है और पुत्री का उपनयन भी विवाह ही है। कन्याओं का उपनयन अलग से नहीं होता है, लिखा हुआ, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं और भी करेंगे, ये विषय लंबा है, लेकिन समान रूप से ये समझ लीजिएगा कन्याओं का विवाह ही उपनयन है, विवाहश्चोपनयन विधि, विवाह ही उनकी उपनयन विधि है, ये है। तो ये भी देखा जाएगा, पुत्र का विवाह हो रहा है और पुत्री का विवाह हो रहा है तब भी साथ में नहीं, पुत्र का उपनयन है पुत्री का विवाह है तब भी साथ में नहीं, ये है। तो ये 6 महीने तक वर्जित करनी, अथवा बीच में यदि संवत्सर बदल जाए, किसी का माघ में हुआ है और फिर चैत्र में हमारा संवत्सर बदल गया, तो बैसाख में फिर दोबारा अगर किसी का विवाह उपनयन होना चाहता तो हो सकता है, क्योंकि संवत्सर बदल गया, ये भी शास्त्रों का वचन है। परंतु एक बात और देखिएगा कि यदि दोनों का एक ही साथ जन्म हुआ है, यानी कि वे दोनों एक साथ जन्मे, यमल हैं, सहजन्म है दोनों का, जुड़वा पैदा हुए हैं, यूं समझ लीजिएगा, तो उन लोगों का समान संस्कार भी
साथ साथ हो सकता है। ये बात समझ लीजिएगा, एक साथ जन्मे हैं माता के जो जुड़वा पैदा हुए हैं, चाहे वो पुत्र बहन भाई हो, चाहे जो है भाई भाई हो, चाहे बहन बहन कन्या कन्या दोनों हो, उनका हो सकता है। देखिए शास्त्र का वचन लिख रहे हैं कि यमल विषय मंडपाचार्य भेदादीनाम आवश्यकता नास्ती, इनमें तो कोई भेद की भी आवश्यकता नहीं है, इनका तो हो सकता है। जैसे बताया गया अगर इनका कोई विवाह करना हो, हमने ये कल भी चर्चा की थी, ये किसी वीडियो में की है, मतलब कि अगर दोनों बालकों का दोनों भाई बहनों का साथ साथ संस्कार करना है, या दो कन्याओं का विवाह हो रहा उधर दो भाइयों का विवाह हो रहा जैसा भी है, तो उनका लिखा है भिन्नोदरयोरपि भगिनी भ्रातृयोर मंगलद्वये मंडपाचार्य भेदावश्यकता। तो ये जो है भिन्न उदरयोरपि, अगर अलग अलग माता से पैदा हैं और दोनों भाई बहन है तब भी मंडप का भेद होना चाहिए, आचार्य का भेद होना चाहिए, लग्न का भेद होना चाहिए, द्वार का भेद होना चाहिए, और यदि साथ ही जन्मे हैं और जो है एक ही माता के से पैदा हैं साथ साथ, तो उनमें कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु दोनों भाई बहनों में का भी यदि विवाह आदि कृत्य हो रहा है, और वैसे नहीं करना चाहिए, यदि करना हो तो ये मंडप का भेद, लग्न का भेद, द्वार का भेद, आचार्य का भेद, ये सब भेद, स्थान का भेद, देश का भेद, काल का भेद हो करके ही ये कार्य होना चाहिए। तो कह रहे हैं यमल विषये मंडपाचार्य भेदादीनाम आवश्यकता नास्ति, अगर यमल जन्म हुआ है, जुड़वा जन्म हुआ है, तो इनकी आवश्यकता नहीं है। देखिए वचन देखिए, एकस्मिन् वत्सरे चैव वासरे मंडपे तथा कर्तव्यं मंगलं श्वश्रोर् भ्रात्रोर् यमल जातयोः। एकस्मिन् वत्सरे, एक ही वत्सर में, वासरे एक ही दिन में, मंडपे तथा एक ही मंडप में इनका विवाह हो सकता है। कर्तव्यं मंगलं, इनके सभी मंगलं, मंगल माने होता है जो है संस्कार, मंगल शब्द से संस्कार लिए जाते हैं, और श्वश्रोर भ्रात्रोर चाहे दो दो बहनों का या दो भाइयों का, यमल जातयो हो, यदि वे साथ साथ उत्पन्न हुए हैं तो उनका ये सभी संस्कार समान रूप से एक ही मंडप में, एक ही आचार्य के साथ, एक ही लगन में हो सकते हैं, क्योंकि भाई भगवान ने उनको एक कर दिया, गर्भ में ही दोनों साथ रह गए, उनका पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार वो भी साथ साथ हो गया, तो अब फिर कोई दोष नहीं है। सामान्य रूप से चाहे उपनयन हो या विवाह हो, दो भाई बहनों का या जो है दो बहनों बहनों का या दो भाइयों का एक संस्कार एक समय में करने की शास्त्र ने अनुमति नहीं दी है, विशेष परिस्थिति में अलग कोई व्यवस्था बना करके और बतलाया है, सामान्य रूप से ये नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव।